हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को लेकर आई हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देख। ये वीडियो आपके बाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा हेयर पैक बनाना सिखाऊंगी जिसे आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपका बाल काफ़ी ग्रोथ करेगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। सबसे पहले चाहिए आपको आंवला। आंवला आप 10 से 12 पीसे सूखे हुए आंवले ले सकते हैं, या फिर अपने हेयर के अकॉर्डिंग आपका बाल जितना लंबा हो उतने आंवले आप चूज़ कर सकते हैं। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके बालों को भूरे होने से रोकता है। और इस पैक को रोजाना इस्तेमाल करने से आपके बालों में से दो मुहे बाल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, और ये काफ़ी आपके बालों को ग्रोथ करने में फ़ायदेमंद होगा। इस पैक को इस्तेमाल करने से आपके बाल की सारी रूसी भी ख़त्म हो जाएंगी और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ हो जाएगा, जिससे आपके बालों का विकास काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। आंवला का फेस पैक बनाने के लिए पहले से ही हमें इसको भिगोकर पानी में भिगोकर रखना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से मिक्सचर में ग्राइंड हो जाए। पैक के लिए जो दूसरा नेचुरल इन्ग्रीडियंट है वो है एलोवेरा जेल। मार्केट में बहुत प्रकार के एलोवेरा जेल अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उन्हें यूज कर सकते हैं, बट मैं इस नेचुरल जेल को यूज़ करूँगी ताकि ये हमारे हेयर में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना कर सके। इस एलोवेरा जेल में बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके सर की खुजली को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। और डेली एलोवेरा जेल को अपने सर पर मसाज करने से ये आपके बालों में काफ़ी शाइन लुक लाते हैं और आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं। और इस हेयर पैक के लिए जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है गुड़हल की पत्ती। इस गुड़हल की ताजी पत्ती का पेस्ट लगाने से ये आपके बालों में कंडीशनर का एडवांटेज देता है। और इस गुड़हल की पत्ती का इस्तेमाल एंटी सोलर एजेंट के रूप में होता है, जो आपके बालों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेफ रखता है और आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, मैंने आंवले को भिगो कर रखा है, तो ये देखिए हमारे पास कुछ भीगे हुए आंवले हैं जो बहुत ही स्पंजी हैं, और मैंने इनके बीजों को ऑलरेडी निकाल दिया है। अब इन्हें हम अपने जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने जार में ऑलरेडी गुड़हल की पत्ती और एलोवेरा जेल को ले लिया है, और अब इस पे हम इसको डालेंगे और इसे अब अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने अपने पेस्ट को तैयार कर लिया है, हमारे पास कुछ इस तरह का पेस्ट आएगा। मैंने इसे मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड किया है, और इसे गीला बनाने के लिए मैंने इसमें आंवले के पानी को डाला है, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अब अपने बालों में आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इस पेस्ट को लेके हम अपने स्कैल्प के पास लगाएंगे। कोशिश करिए कि आप बालों की जड़ों तक ही इसको लगाएं। तो गाइस, मैंने इस पेस्ट को पूरी तरह से अपने बालों में अच्छे से लगा लिया है और बालों का जूड़ा बना लिया, ताकि ये मेरे शरीर में ना लगे, बॉडी में कहीं टच ना हो। और इसे अब हम आधे घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो मैं अपने बालों को वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने अपने बालों को वॉश कर दिया, मेरा बाल एक ही वॉश में काफी सिल्की लग रहा है और काफी हेल्दी मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बालों की शाइन। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के साथ शेयर करिए, और शेयर करने के साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।